हेलो फ्रेंड्स, सौर्या टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 3-4 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रेडिएंट इफिशियंसी के बारे में, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेशन के बारे में हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा कि क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। उन सारे सब क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इस उन सारे क्वेश्चन को देखने से पहले मैं सारे व्यूअर से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के मोर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमेशा लगातार आरआरबी जेईई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रेड हॉट बॉडी और व्हाइट हॉट बॉडी, ये दोनों चीज के बारे में हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेड हॉट बॉडी, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली बर्न करते हैं तो वो पहले रेड हॉट बॉडी के पास पहुंच जाता है, बर्न होते होते जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेड हॉट बॉडी के पास पहुंचता है, इसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो व्हाइट हॉट बॉडी के पास पहुंच जाता है। इसके चलते जो टेम्परेचर हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि रेड हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कम होता है किसके अपेक्षा, व्हाइट हॉट बॉडी की अपेक्षा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो इसमें टेम्परेचर कम लगा जिसके चलते इसका जो वेवलेंथ होगा वे ज्यादा होगा, और इसका जो व्हाइट हॉट बॉडी का जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसके चलते इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, लगातार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सरे का डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर एक्सरे, तो इसका आंसर है विलियम रियोंगटेन। थर्ड क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है ये भी, विजुअल रे का डिस्कवर किसने किया, हु डिस्कवर विजुअल रे, तो कौन है, सर आइजक न्यूटन, केवल न्यूटन भी हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिविटी, हमारा आई जो होता है किस कलर के लिए और किस वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम पर जो हमारा लाइट होता है, हमारा जो आई होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, और इस वेवलेंथ वाला लाइट कौन कौन सा लाइट का कलर इस वेवलेंथ के पास आता है, तो वो होता है ग्रीन और येलो, यानी कि जो हमारा आई होता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव 5500 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ वाले लाइट पर होता है, कलर ऑफ लाइट पर होता है, और वो कलर कौन सा है, ग्रीन और येलो। अब आइए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, टीवी रिमोट के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टीवी रिमोट के द्वारा कौन सा लाइट कौन सा रे प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग को याद रखना होगा इन्फ्रारेड रे। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेडिएंट इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रेडिएंट इफिशियंसी भी लगातार बढ़ते जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं रेडिएंट इफिशियंसी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेडिएंट इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और सेवेंथ क्वेश्चन, जैसा कि हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे, इसका प्रूफ अगले वीडियो में बताएंगे, 1 फुट कैंडल इक्वल टू 10.76 मीटर कैंडल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन, इंफ्रारेड रे, विजुअल रे और यूवी रे, ये तीनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम लगता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब इन लोग की अपेक्षा विजुअल रे और अल्ट्रावायलेट रे की अपेक्षा जो टेम्परेचर होता है कम होता है, जिसके कारण अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, अधिक होगा, तो इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसके बाद फिर वेवलेंथ इसका होता है, वेवलेंथ लेमडा से डिनोट करते हैं, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड का वेवलेंथ होगा, और इसके बाद विजुअल रे का होगा, और सबसे कम किसका होगा, अल्ट्रावायलेट रे का होगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको और अगला
टॉपिक बताएंगे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब के बारे में। तब तक इस चैनल पर लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।